शुक्रवार को मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद की शपथ ले ली है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 खत्म होने और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में शामिल करने के बाद मनोज सिन्हा वहां के दूसरे उपराज्यपाल हैं। इससे पहले इस नई बनी यूनियन टेरिटरी के राज्यपाल जीसी मुर्मू थे। जीसी मुर्मू को अब सीएजी बनाया गया है। मीडिया से मुखातिब मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है, मुझे यहां भूमिका निभाने का अवसर दिया गया है। 5 अगस्त एक महत्वपूर्ण तारीख है। अलगाव के बाद जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में आया है। सालों के बाद यहां कई परियोजनाएं शुरू हुई हैं। मेरी प्राथमिकता उन परियोजनाओं को आगे ले जाना है। उन्होंने आगे कहा कि किसी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं होगा। संवैधानिक शक्तियों का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी वास्तविक शिकायतों को सुना जाएगा और हम समाधान का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। यहां विकास को आगे ले जाना ही मेरा उद्देश्य है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद है। उन्हें जम्मू कश्मीर में अपने राजनीतिक और प्रशासनिक कौशल के इस्तेमाल के लिए फ्री हैंड देने की बात भी कही जा रही है। अब देखना यह है कि मनोज सिन्हा क्या अपने विकास का पहिया जम्मू कश्मीर में भी दौड़ा पाते हैं या नहीं। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।